पीएम शहबाज शरीफ को उनकी कैबिनेट ने हालात से निपटने के लिए क्या सलाह दी। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इमरान को लेकर क्या कहा। पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखिए पाकिस्तान टॉप 9। पीटीआई की पाकिस्तान कैबिनेट के ज्यादातर मेंबर्स ने देश में मौजूदा हालात को देखते हुए पीएम शहबाज शरीफ को इमरजेंसी लगाने की सलाह दी है। पाक पीएम ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बने हालात की समीक्षा के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बहुत बड़ा पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालतें इमरान खान को सुविधा दे सकती है, लेकिन हम कानून के मुताबिक पीटीआई की राज्य विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान को फिर गिरफ्तार करने में समय लग सकता है। इमरान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले दो दिन जो भी हुआ वो सब इमरान के इशारे पर हुआ। प्रदर्शनकारी इमरान की रिहाई की मांग पर हिंसा कर रहे हैं। पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है। पाक सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं। पीएम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को राहत देने पर आग बबूला हो गए। के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिए गए और बड़ी ढिढाई से कहा गया कि जनाब स्टे ऑर्डर इनके ऊपर आप कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाईकोर्ट के बाहर भी पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के बीच में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जो महिलाएं हाईकोर्ट में घुसने की कोशिश कर रही थी। इमरान समर्थकों को काबू में करने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई है। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे से 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये पीटीआई कार्यकर्ता इमरान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इमरान खान एक तरफ कोर्ट में पहुंचे तो दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं और समर्थक सड़क पर उतर आए। कई जगह समर्थकों की पुलिस झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। पीटीआई कार्यकर्ता हिंसक हो गए और कई गाड़ियों को आग लगा दी। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इमरान खान की पेशी के दौरान कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इमरान के समर्थकों ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान इमरान के समर्थन में नारेबाजी की, जिसकी वजह से नाराज जज कोर्ट रूम से बाहर निकल गए।